कार का इनिशियल पिकअप ठीक ठाक है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कार स्कूल एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आज हम आपके लिए रिव्यू लेके आए हैं टाटा इंडिगो डीजल का, तो चलिए इसका रिव्यू शुरू करते हैं और आपको कंडीशन दिखाते हैं कार की कंडीशन कैसी है। इंडिगो लॉन्च हुई थी 2002 में और 2018 तक कंटिन्यू रही है ये। इसका एक्स शोरूम प्राइस स्टार्ट होता था 4.8 लाख से और जाता था 6.2 लाख तक। सेफ्टी के अंदर हमें इसके डीजल के LS वेरिएंट में मिलता है सेंटर लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, रियर सीट बेल्ट वार्निंग, साइड इंपैक्ट बीम एंड फ्रंट इंपैक्ट बीम। इसमें हमें ABS और EBD वगैरह नहीं मिलेंगे। ये 2013 मॉडल आप देख रहे हैं। ये कार 73,000 किलोमीटर चल चुकी है और अभी तक इसके इंजन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। कार के सस्पेंशन का काम हो चुका है और क्लच प्लेट चेंज हो चुकी है। अगर आप सेकंड हैंड इंडिगो डीजल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, कार काफ़ी अच्छी है और मेंटेनेंस भी काफ़ी कम है। बात करें इसके सर्विस कॉस्ट की तो इसका सर्विस कॉस्ट आता है 3,000 से 4,000 के बीच में और 2013 मॉडल आपको 90,000 से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी काफ़ी अच्छी कंडीशन में। ये है इसकी हेलोजन हेडलैम्प, काफ़ी अच्छी लगती है ब्लैक कलर में देखने में। टाटा का लोगो, ग्रिल पे हमें क्रोम लाइनिंग मिल जाती है और अब इसका बोनेट खोल के देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका इंजन। इसमें हमें मिलता है 1.4 लीटर का 16 वेल्व 4 सिलेंडर CRD4 डीजल इंजन जो कि जनरेट करता है 69 bhp की पावर और 140 न्यूटन मीटर का टॉर्क। 42 लीटर के फ्यूल टैंक से ही हमें माइलेज देती है 20 से 25 के बीच में और जैसा कि आप देख रहे हैं इंजन काफ़ी अच्छी कंडीशन में है। ये टाटा की बैजिंग और इंजन पर कोई भी लीकेज वगैरह नहीं है। कुछ ऐसा दिखता है कार का बम्पर। इसमें हमें मिलते हैं 14 इंच के स्टील व्हील्स, आगे वेंटिलेटेड डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे और यह है इसके टायर का साइज। साइड इंडिकेटर, ये मैनुअली एडजस्टेबल ORVM मैनुअली एडजस्ट होगा। ये FM एंटीना, रूफ,
कुछ ऐसा दिखता है इसका ड्राइवर साइड डोर अंदर से। ये मैनुअली एडजस्टेबल साइड मिरर, यहां से एडजस्ट होगा। लॉक अनलॉक हैंडल, डोर हैंडल और आर्मरेस्ट, ये थोड़ा सा स्पेस और बोतल होल्डर। यहाँ पे स्पीकर मिल जाएगा और कुछ ऐसी दिखती है कार अंदर से। ये सीट एडजस्टर और थोड़ा सा स्पेस। यहां से खुलेगी फ्यूल लिड और बूट पेडल्स। ये बोनट ओपनर और थोड़ा सा स्पेस। ये लाइट के कंट्रोल्स और एसी वेंट। यहां से डलेगा डीजल। तो अब कार को ऑन करके देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है इसका फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील और सेंटर में हमें टाटा का लोगो मिल जाएगा। ये हॉर्न, एसी वेंट, हैजर्ड लाइट का स्विच और यहां पे मिल जाती है हमें क्लॉक और ये डैशबोर्ड के ऊपर स्पेस मिल जाएगा। स्पीकर्स, एसी के कंट्रोल्स, ये है इसका आफ्टर मार्केट चाइनीज स्टीरियो, खराब पड़ा है ये। 12V का चार्जिंग सॉकेट और इसमें हमें USB मिल जाएगी, ऑक्स मिल जाएगा और SD कार्ड का ऑप्शन मिल जाता है और FM मिल जाता है। ये पावर विंडो के कंट्रोल्स सेंटर में मिलते हैं हमें, थोड़ा सा स्पेस। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर लॉक और मैनुअल हैंड ब्रेक। कुछ ऐसा दिखता है फ्रंट का पैसेंजर साइड डोर अंदर से। ग्रैब हैंडल, पैसेंजर साइड में वैनिटी मिरर मिल जाएगा, रीडिंग लाइट्स, और ड्राइवर साइड में कार्ड होल्डर मिल जाता है। ये डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर नहीं मिलेगा इसमें। ग्लब बॉक्स के अंदर ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है और दो कंपार्टमेंट मिलते हैं। ये है वाइपर के कंट्रोल्स और लाइट के कंट्रोल्स। कुछ ऐसा दिखता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में हमें शो करता है स्पीड, इंजन हीटिंग, इधर में शो करेगा RPM और फ्यूल। ये है बाकी की वार्निंग लाइट्स और ये है इसकी MID। MID में हमें शो करता है ट्रिप ए, ट्रिप बी और टोटल किलोमीटर्स। तो आप पीछे चलते हैं और आपको दिखाते हैं कार कैसी है पीछे से।
कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर साइड डोर अंदर से। ये लॉक अनलॉक हैंडल, डोर हैंडल, आर्म रेस्ट और ये विंडो के कंट्रोल्स। पीछे हमें पावर विंडो नहीं मिलती है और कुछ ऐसी दिखती है कार अंदर से। पीछे हमें हेडरेस्ट फिक्स मिलते हैं, स्पीकर्स और ये है इसकी ब्लैक कलर की लेदर अपहोल्स्ट्री, आफ्टर मार्केट है ये। अंदर हमें लेग स्पेस ठीक ठाक मिल जाता है और हम बीच में काफी बड़ा मिलता है। सीट पॉकेट्स कुछ ऐसा दिखता है पैसेंजर साइड डोर। पीछे हमें रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी, ग्रैब हैंडल, कुछ ऐसा दिखता है इसका फोर स्पोक स्टीयरिंग व्हील और डैशबोर्ड। तो अब कार आपको पीछे से दिखाते हैं और इसका बूट खोल के दिखाते हैं। कुछ ऐसी दिखती है कार पीछे से। ये है इसकी हेलोजन टेल लैम्प, टाटा की बैजिंग और लोगो, इंडिगो ECS की बैजिंग और ये LS वेरिएंट की बैजिंग। इसमें हमें मिलती है 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 1105 kg का कर्व वेट है। ये स्टॉप लैंप और रियर डिफोगर। कुछ ऐसा दिखता है इसका बूट और ये बूट गेट। इसमें हमें मिलता है 380 लीटर का बूट स्पेस और ये इसकी टेल लाइट चेंज हो चुकी है। स्पीकर्स टूल्स और ये है इसका स्पेयर टायर। तो अब इसको ड्राइव करके देखते हैं और बताते हैं चलने में कैसी है। कार में जो है हमें 2000 RPM से पहले थोड़ा लैग महसूस होगा पावर में और जैसे ये 2000 RPM को पार करेगी पिकअप अच्छा देती है और हैंडलिंग भी ठीक ठाक है कार की। माइलेज की बात करें तो 20 से 25 के बीच में माइलेज देती है हमें ये डीजल पे। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके जरूर बताएं हमें वीडियो आपको कैसी लगी।